हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका न्यूज वर्स के एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं मार्वल, डीसी और हॉलीवुड के वीकली अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राजील के D23 एक्सपो में हुए एमसीयू के मेजर अनाउंसमेंट्स के बारे में। तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का एक नया ट्रेलर और एक नया पोस्टर रिलीज किया गया, जहाँ पर हमें हैरिसन फोर्ड के रेड हल्क का एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला और सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका का नया सूट और कई सारे फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिले। और फिर थंडरबोल्ट्स का भी एक स्पेशल लुक रिलीज किया गया, जहां पर हमें थंडरबोल्ट्स ग्रुप के कई एक्सटेंडेड सीन्स दिखाए गए। और फिर व्हाट इफ के सीजन 3 पर बात करते हुए केविन फाइगी ने ये बताया कि इस सीजन में स्टॉर्म मियोनिर को होल्ड करने वाली है। और केविन फाइगी ने माइल्स मोरेलिस के एमसीयू डेब्यूट के बारे में भी बताया कि वो स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के रिलीज होने के कुछ ही देर बाद हमें एमसीयू में देखने को मिलेगा। और केविन फाइगी ने ये भी अपडेट दिया कि सीक्रेट वॉर्स के बाद अगली सागा का नाम म्यूटेंट सागा होने वाला है, क्योंकि ये सागा मेनली एक्समैन पर फोकस करेगी। और वांडा के रिटर्न के बारे में केविन फाइगी ने ये कहा कि हम पॉसिबिलिटीज को ढूंढ रहे हैं कि कैसे वांडा एमसीयू में अपना रिटर्न कर सकेगी। और केविन फाइगी ने ब्लेड के बारे में भी ये कहा कि वो मार्शल अली के ब्लेड कैरेक्टर के लिए बहुत ही डेडिकेटेड है और वो बहुत ही जल्दी इस कैरेक्टर को एमसीयू में लाना चाहते हैं। और केविन फाइगी ने ये भी कहा कि ह्यूग जैकमैन का वुल्वरीन और रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल एमसीयू के फ्यूचर में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ये तो थे एमसीयू के D23 के अनाउंसमेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं एजेंट वेनम की मूवी पर। तो सोनी की तरफ से एक मेजर रूमर ये आ रहा है, जहां ये रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं कि इन फ्यूचर वेनम के बाद सोनी वाले एजेंट वेनम के कैरेक्टर पर फोकस करने वाले है। और सिंस वेनम की स्टोरी वेनम 3 में कम्प्लीट हो चुकी है, तो इसी को फॉरवर्ड करते हुए वो एजेंट वेनम की स्टोरी पर फोकस करना चाहते है। देन स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन की तरफ से ये अपडेट आई है कि इस सीरीज का जो टाइमलाइन है वो पिछले सीजन से एक साल बाद का होने वाला है, और एक साल का टाइम जंप या फिर टाइम गैप हमें इस सीरीज में देखने को मिलेगा। देन मून नाइट की जो सीरीज है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सोलो सीरीज है मार्वल की तरफ से, तो इसी को लेकर ये रूमर आई है कि मून नाइट का सीजन 2 नहीं आएगा, बल्कि इसे एक मूवी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब मून नाइट सीजन 2 तो नहीं आएगा, मगर इसकी स्टोरी मूवी में कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। पेंगुइन का लास्ट एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड के साथ ये सीरीज एंड हो चुकी है। ये सीरीज देखने में तो काफी बढ़िया थी, मगर आप मुझे बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। देन एक रूमर ये भी आया था कि जैसे बैटमैन की यूनिवर्स को एक्सपेंड करके पेंगुइन की सीरीज लाई गई थी, और वैसे ही जो बैरी क्वेगन का जोकर देखने को मिला था, उसकी भी एक सोलो सीरीज आने वाली है। और ये रूमर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा था, तो इसी को लेकर जेम्स गन ने ये कन्फर्म किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला और ये एक फेक न्यूज है। बैरी क्वेगन के जोकर की कोई भी सीरीज नहीं होगी और पेंगुइन के बाद डायरेक्टली बैटमैन का पार्ट 2 आएगा। देन क्रिस्टोफर नोलन की नेक्स्ट मूवी की तरफ से ये अपडेट आई है कि ये मूवी वैम्पायर पर बेस होने वाली है। हमें पता था कि टॉम हॉलैंड इस मूवी में होने वाले है, मगर अब ये भी कंफर्म हो चुका है कि जेंडाया भी हमें इस मूवी में दिखने वाली है, और जेंडाया के साथ ही एना हैथवे को भी इस मूवी में कास्ट किया जा चुका है। और इसी के साथ हमें मैट डेमन भी देखने को मिलेंगे। वैसे D23 एक्सपो से डिज्नी के भी कुछ अपडेट्स आए हैं, उन्हें भी बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहले है आइस एज 6। तो ये कंफर्मेशन किया गया कि ये मूवी अभी प्रोडक्शन में है और इसका ये फर्स्ट ऑफिशियल लोगो भी रिलीज किया गया। देन ट्रॉन एरिस ये मूवी तो आने ही वाली है, तो उसी का ये एक नया लोगो रिलीज किया गया, और इसी के साथ उसमें दिखने वाली एक फ्यूचरिस्टिक बाइक का भी लुक रिलीज किया गया। और सबसे मेजर रहा मुफासा द लाइन किंग, तो इसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर और फाइनल ट्रेलर रिलीज किया गया, और ये मूवी इसी साल 20 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। तो यही थे इस वीक के अपडेट्स, और उम्मीद है कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इस वीडियो के बारे में आपके क्या थॉट्स है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।